CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश। छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा है जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो है पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा। कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी। जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम EPM पैतल एवं माता का नाम TV लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था। धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगीं और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया। स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी। उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी। आपने मुझे बुलाया मैम? आओ उषा, मैंने एक खास बात के लिए तुम्हें याद किया है। जी कहिए मैम। अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई? मैम अच्छा चल रहा है। गुड। स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं। वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं। जी मैम। तो तुम्हें एक काम करना है। जी। तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है। शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है। बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए। जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना। महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में
कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष था 1977 का, जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया। वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो। लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा। आप? धन्यवाद सर, लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। सर। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते। और अब समय था इतिहास रचने का। 1979 में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की प्रतियोगिता हुई और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के बाद पूरे देश का ध्यान उनकी ओर गया। खेल जगत में उनका अंतरराष्ट्रीय सफर शुरू होता है सन 1980 में कराची में आयोजित पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट से। उस दिन कराची का नेशनल स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बड़ी उत्सुकता से दौड़ प्रारंभ होने का दम साधे इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान में दर्शकों की उत्सुकता इसलिए भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि दौड़ में परंपरागत प्रतिद्वंद्वी देश भारत की पीटी उषा भाग ले रही थी। दौड़ शुरू हुई। अरे वो देखो, दौड़ शुरू हो गई। ओटे, उषा ने सभी धाविकाओं को बड़ी आसानी से पीछे छोड़ दिया। तालियों से पूरा स्टेडियम गूंज गया। पाकिस्तानी दर्शकों ने भी इस महान धाविका को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अलग अलग दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक लेकर भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। दौड़ की शुरुआत में सबको ऐसा लग रहा था मानो वो पीछे छूट गई हैं। लेकिन लगभग आधी दौड़ के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और सबको अचंभे में डालते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वर्ष 1984 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। पीटी उषा के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय महिला एथलीट को विश्व खेलों के महापर्व ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने का सौभाग्य मिला। और फिर आया वो दिन
जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ठीक कहते हो, आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही है। इसलिए तो मैं आज खास दौड़ से आया हूँ। अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है कि आज पीटी उषा के प्रदर्शन से देश का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। अरे ये क्या हुआ? दूसरे देश की धाविका ने तो पीटी उषा को बहुत पीछे छोड़ दिया। नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है। दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गईं। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया? इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया। उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं। सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है। महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं। वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, ममता मलकानी, आकाश आहूजा और सुषमा शर्मा, आलेख अजीत होरो, ध्वनियांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।